अच्छा जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इस टॉपिक पे आने से पहले कुछ फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करेंगे, जो कि हमने फिफ्थ चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्स के चैप्टर में डील किया था। फ्यू रिमेंबर, हम लोग कहते हैं कि हमारी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स तो चलें हर दो बॉडीज के दरमियान है, मगर ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। तो अगर नेचुरली हम इस चीज़ को क्या कहते हैं छोड़ेंगे तो ये डाउनवर्ड जाएगी। और वी रिमेंबर वेरी क्लियरली के फील्ड की डायरेक्शन, या लेट्स अस्यूम ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड। फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। और जब कोई चीज़ फील्ड की डायरेक्शन में मूव करती है, फील्ड की डायरेक्शन नेचुरल डायरेक्शन में, तो वो क्या गेन करती है, काइनेटिक एनर्जी। मगर अब फील्ड नीचे की तरफ और हम इस बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, विच मीन्स ये बॉडी इज नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, बल्कि दिस वुड बी मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तब हमें क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पड़ा था, हमने इसे यहाँ उठाने के लिए क्या किया, हमने इसे यहाँ उठाने के लिए वर्क करना पड़ेगा हमें, वो वर्क उसके वेट के इक्वल एज दैट इज एन होल्डिंग, ठीक है। मगर हमें काम करना पड़ा, और अब काम करने से इसकी क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, और पोजीशन चेंज होने से इसमें क्या स्टोर हो गई, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। इसी तरह हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस की थी और डिफरेंट टाइप्स। अब समझे, इसी की बेसिस पे हमने आगे चलना है और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का होना लाजमी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। दो ऑपोजिट प्लेट्स चार्ज, दो पैरल प्लेट्स हैं, ऑपोजिटली चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब अगर हम इसको एक यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, ठीक है, हमने रख दिया पॉजिटिव, तो खुद ही सोचें कि नेचुरली दिस वुड गेट अट्रैक्टेड टू नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये कहाँ, ये मूव करना शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, क्या मूव करना। तो जब ये मूव करेगा तो मोशन से कौन सी एनर्जी रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, कब, जब ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। डायरेक्शन क्या है, फील्ड की, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है जी। और एक चीज़ ये देखें कि हम हमेशा पॉजिटिव जो वैल्यू होती है या पॉजिटिव साइड होती है उसको हायर पोटेंशियल कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होगा या नेगेटिव प्लेट होती है उसको लो पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव फील्ड मौजूद है और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये मूव करेगा। मगर मैं कहती हूँ नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने कहाँ से, ए से, लेट्स अस्यूम ये यहाँ पड़ा है, मैंने ए से यहाँ तक बी तक लाना, तो डेफिनेटली बात है पॉजिटिव चार्ज है, इससे यहाँ पॉजिटिव की तरफ मूव कराना है, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इट वुड रिपेल। तो हम कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर मैं जाना चाह रही हूँ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जब भी फील्ड के ऑपोजिट किसी चीज़ को मूव कराना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क उस बॉडी में कैसे स्टोर हो जाएगा, एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया, कब, जब हमने इसको चार्ज को, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको ए से बी तक लेके गए, ठीक है। अब ये सारा काम जो हमने ए से बी तक लेके जाना है, वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए करना। इक्विलिब्रियम फिर से वही बात, या बॉडी रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू जीरो। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है ताकि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ई मौजूद है, और हमें पता है ई का फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट
चार्ज, और यहाँ से हम कहेंगे हम अगर हमें यहाँ से फोर्स निकालनी है तो यहाँ फोर्स किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, फील्ड मौजूद है तो फोर्स लगेगी, फोर्स किसके बराबर होगी, क्यू नॉट ए, इसका मतलब है हर पॉइंट पे ये फोर्स लग रही है इस चार्ज पे, जहाँ से भी हम मूव करवा रहे हैं, वी वुड बी मूविंग इट इन द फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक है जी। क्यू नॉट ई जब हमने फोर्स लगाई वर्क हुआ, और वो वर्क किस में स्टोर हुआ, किस फॉर्म में स्टोर हुआ, एज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा यू, ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कह रहे हैं मच बेटर इज कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको याद हो वर्क एनर्जी थ्योरम था हमारा, दैट वर्क डन या तो चेंज करेगा आपकी काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन हो रहा है कहाँ से कहाँ, ए से बी तक जाने में, और दैट इज बीइंग, वो क्या कर रहा है, दैट इज चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना क्या चेंज है, डेल्टा यू, यू बी माइनस यू ए, कोई चीज जब यहाँ बॉडी पड़ी होती है तो लेट्स अज्यूम दिस इज बी पॉइंट था, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ दैट इज डेल्टा यू, तो यू बी माइनस यू ए, ठीक है जी। अब हम यहाँ यहाँ जो हम यू बी या यू ए को बात करें, ये अब पोटेंशियल एनर्जी तो है मगर ये किस वजह से है, इलेक्ट्रिक, तो हमने उसे क्या कह दिया, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक टर्म, नई टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसी ना किसी तरह पोटेंशियल तो रिलेट करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफरेंस, इसका मतलब फिर से डेल्टा आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट्स दो होने चाहिए, जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पॉइंट्स दो आएंगे, पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह डिफाइन किया, एज वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर, यहाँ हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, हम मूव कर रहे हैं ए से बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो काम होगा जो कि हमें करना पड़ा है, किस पे, चार्ज पे, कब, जब उस ए से बी तक लेके गए हैं, मगर चार्ज को इसमें रखा हुआ है हमने इक्विलिब्रियम में रखा हुआ, ठीक है जी। और वी ए और वी बी क्या है, दीज आर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, किस पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ठीक है जी। यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू ए बी वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ये डेल्टा यू हमने ऊपर देखा था ओवर क्यू, अच्छा जी, डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, अगर ये वाला पार्ट निकालते हैं, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट, इधर चला गया क्यू नॉट डेल्टा वी, और आपका डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, और अगर डब्ल्यू ए बी वर्क निकालें तो ये भी क्यू नॉट इधर चला गया क्यू नॉट डेल्टा वी, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइन एज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से देखें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब हम इसका यूनिट डील कर लेते हैं, ठीक है जी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया एज द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जब ये केस लेते हैं, इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन के एक एक किताब ये टेबल पे पड़ी है, एक स्टूडेंट कहता है कि जी, एक स्टूडेंट, हाँ जी ये था क्वेश्चन ना, कि यहाँ एक और ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी ग्राउंड का था, तो दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंस ये आ रहा था, एक रेफरेंस ले रहा था ग्राउंड और एक रेफरेंस ले रहा था टेबल। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वहाँ भी हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा लेते थे, रेफरेंस के लिहाज से ही पोटेंशियल एनर्जीज कंसिडर होती हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी
कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट एक आसान सा रेफरेंस पॉइंट वहाँ भी हमने लिया था, दैट वॉज इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पे जाके वो चीज़ जिस चीज़ के बारे में हम बात करें दैट बिकम्स ज़ीरो। तो हम यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेते हैं, ए को इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो वी ए जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और बाकी फिर हमारे पास क्या बचेगा, वी बी जिसको जनरलाइज कर लिया डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो फिर अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करें, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point। पहले definition was जब हम ये वी बी माइनस वी ए कर रहे थे, यहाँ बात थी कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसको पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे। मगर अब हमने एक पॉइंट को इन्फिनिटी रख लिया, वो पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो हो गया और फिर हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई, दैट इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मगर व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। यूनिट की भी बात कर लेते हैं, यूनिट वोल्ट फॉर्मूला लिखे हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, डब्ल्यू का जाउल और आपके चार्ज का यूनिट इज कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट यहाँ से किसके बराबर आ गया, जाउल पर कूलम, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और डेफिनेशन 1 वोल्ट की वही होगी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू पॉइंट्स, हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान होगा। उसके बाद जैसे अगला पॉइंट हमने इन्फिनिटी ले लिया, 2 पॉइंट्स का जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं मूव करवाएंगे फ्रॉम 1 पॉइंट टू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का होना चाहिए, उसे मूव कराएंगे 2 पॉइंट्स के दरमियान और कितना वर्क करना होगा, 1 जाउल का वर्क हम वहाँ करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी 1 वोल्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें करना क्या है, इसमें हमने रिलेट करना है। अब यहाँ से हम लोगों ने वी का पोटेंशियल डिफरेंस का आइडिया ले लिया, वी का आइडिया ले लिया, इसको रिलेट करने लगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। डेल्टा वी देख लिया डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, डेल्टा वी को खोल लिया, दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। इसको वन करते वर्क कब होगा, जब फोर्स लगाएंगे, वर्क की डेफिनेशन याद है एफ डॉट डी, हमने पीछे भी बात की थी जब ये फील्ड बनाई थी यहाँ ये, तो हमने बात की थी ये फील्ड है ई, तो डेफिनेटली ई इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हमने कहा था फोर्स यहाँ कितनी लगी है, क्यू नॉट ई फोर्स लगेगी हर पॉइंट पे, ठीक है। क्यू नॉट ई फोर्स लगेगी, माइनस साइन, माइनस साइन इसलिए अगर याद हो पॉजिटिव जी माइनस जी अगेंस्ट द फील्ड हमेशा काम नेगेटिव होता है, तो जब हम यहाँ ए से बी पे मूव करा रहे थे अगेंस्ट द फील्ड तो काम नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये माइनस किया, वर्क की डेफिनेशन में फोर्स की वैल्यू पुट कर दी माइनस क्यू नॉट ई डी। अब इस वर्क को पूरे के पूरे वर्क की वैल्यू को मैंने इस वन वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, वी बी माइनस वी ए माइनस, हाँ जी वर्क की जगह आ गया माइनस क्यू नॉट ई डी और ओवर क्यू नॉट पहले मौजूद था, क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, माइनस ई डी बच गया, ठीक है जी। वी बी माइनस वी ए को डेल्टा वी कह दिया, ठीक है, और माइनस का साइन बेचारे यहाँ लिखने के यहाँ लिख लिया, और फिर हमने साथ में डी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो गया। और फिर वही बात करते हैं कि अगर जो दोनों प्लेट्स हैं वो बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ये जो 2 प्लेट्स थी, तो हम लोगों ने डी की जगह डेल्टा आर लिख दिया। अब यहाँ रिलेट हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ, पोटेंशियल के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अच्छा जी, ये रिलेट किसका किया, ये जो टर्म हमें नज़र आ रही है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा डेल्टा। अच्छा जी, मैथ्स क्योंकि सेकेंड ईयर में डिफ्रेंसीशन मौजूद है और अगर आपको याद हो तो अगर आप सेकेंड चैप्टर पे आ चुके हैं तो डी डिफ्रेंसीशन कह रहे हैं, यहाँ एक्स चेंज हो रहा है, डिफ्रेंसीशन इज जस्ट चेंज, एक्स चेंज हो रहा है
विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ये डेल्टा भी चेंज ही है, ठीक है, इवेंचुअली ये डेल्टा ही चेंज होता है डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है, डेल्टा वी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, मगर किसके लिहाज से, आर क्या है, आर इज सम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, इन स्पेस एक्स वाई जी, तो जब कोई चीज चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे ग्रेडियंट कहेंगे, और हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेडियंट ऑलवेज गिव्स द मैक्सिमम चेंज, क्योंकि हम फील्ड लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, इससे पता चल रहा है कि लाइट ट्रिप भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, उसी बात को कह रहे थे, ये ग्रेडियंट है चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मगर ये हमेशा हमें क्या देगा, हमें मैक्सिमम चेंज देगा, ग्रेडियंट हमेशा क्या देता है, मैक्सिमम चेंज, तो ये तो मैक्सिमम चेंज आ गया, ये ग्रेडियंट आ गया, तो यहाँ से जो स्टेटमेंट बनती है विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को बाद में डिस्कस करते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या डिस्कस कर रहा है, क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बताएगा कि ई की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी, हमेशा, ठीक है जी, और वो अगर हम देखें तो हमने कहा था ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, हाँ जी, ई की, और इसको क्या कहा था, पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल और नेगेटिव हमेशा लोअर पोटेंशियल कंसिडर करेगा बाय कन्वेंशन, ये अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है जी। अब जरा ये देखें कि ई की डायरेक्शन क्या है, ये ई है ना, फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी ई, जो हमने किया किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन क्या है, हायर की तरफ या लोअर की तरफ, तो लोअर की तरफ, इसका मतलब है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूला को प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर से देखें, ई के यूनिट्स क्या बनते हैं, 1 volt over 1 meter, ठीक है जी, 1 volt over 1 meter, ये अच्छा जी, वोल्ट को अभी पीछे डिफाइन किया था एज वर्क पर, ठीक है, यूनिट्स इसके कंफर्म करने हैं कि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डी, ये करेक्ट फॉर्मूला है, और पहला वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो वो था ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। यहाँ से ज़रा देखें, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट्स क्या आते थे ई के फ्रॉम द डेफिनेशन, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको लिया डेल्टा वी ओवर डी को, ठीक है, वी के यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट, डी के डिस्टेंस है तो मीटर, ठीक है जी। उससे पहले वोल्ट को अभी डिफाइन किया वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क के यूनिट जाउल और चार्ज के यूनिट कूलम, तो क्या हो गया, जाउल पर कूलम और नीचे मीटर एज इट इज मौजूद है, ठीक है जी। जाउल वर्क, वर्क एफ डॉट डी, तो जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर यहाँ लिख लिया, कूलम नीचे चला गया मीटर के साथ, मीटर मीटर से कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब है न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ये बहुत से MCQs में आता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये वाला प्रूफ आ जाता है। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा जी, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की है पिछले टॉपिक में, जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो हमने कंसिडर किए हैं पैरेलल प्लेट्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट ये डिस्कस किया, मगर अब हम और वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, मगर अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिस्कस कर रहे हैं मगर एक पॉइंट पे, क्योंकि हमें पता कि किसी पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया जाता है, और किसी पॉइंट पे जब लिया जाएगा दो पॉइंट्स के दरमियान तो रेफरेंस पॉइंट होगा, और लास्ट में हमने रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी ले लिया था, ठीक है जी। मगर वहाँ प्लेट्स थी, यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है जी। पॉइंट चार्ज लिया है और इसकी डायरेक्शन इज आउटवर्ड, तो समझ आता है कि ये यूनिट ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि हम एक पॉइंट चार्ज को, कोई भी पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट तक, इसकी फील्ड में इसकी फील्ड, ठीक है, ये जो चार्ज है इसकी फील्ड। अच्छा, अब यहाँ मसला कहाँ आ रहा, वहाँ फील्ड यूनिफॉर्म थी, ठीक है जी, फील्ड वॉज यूनिफॉर्म फील्ड थी, उसकी एक जैसी फील्ड थी, वो इक्विलिब्रियम में एक जगह चल रहा था, मगर यहाँ ई वुड वेरी विद डिस्टेंस, ई जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, वेरी करेगी इक्विलिब्रियम में, हमारी फोर्स कांस्टेंट फोर्स जो कि किसके यहाँ बराबर लगेगी क्यू ई के, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि हम नहीं चाहते, तो उसके लिए फिर से थोड़ा सा मास को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, ठीक है। वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से E इज इक्वल टू जो हमने देखा था माइनस डेल्टा V ओवर R, उधर से अगर डेल्टा V की वैल्यू निकाले माइनस उधर चला गया, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। अब हम क्या ले रहे हैं, हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं A और B, और हम कहते हैं कि हम उस पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे जब पॉइंट हम करीब हैं दोनों इतने, हाँ, और इतने करीब है कि E ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस इसका क्या है आर ए है और इसका आर बी है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा डेल्टा आर है, वो सारी आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। आर बी को लिख सकते हैं आर ए प्लस डेल्टा आर, या डेल्टा आर को लिख सकते हैं आर बी माइनस आर ए, ठीक है जी। अब इसका मिड पॉइंट आर ए प्लस आर बी ओवर टू हो जाएगा। अब कोई बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0Q ओवर आर स्क्वायर होता है, यहाँ हमें आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू आर ए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आर बी इज इक्वल टू आर, तो आर स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन आर ए और आर बी, इस आर स्क्वायर की वैल्यू को हमने ई की वैल्यू में डाल दिया 1/4πε0Q आर ए आर बी, ठीक है जी। उसके बाद इस वैल्यू को ई की वैल्यू को, बल्कि ई की वैल्यू नहीं सॉरी डेल्टा आर की वैल्यू, ये हमने वी बी माइनस वी ए लिया इस वाली इक्वेशन में इज इक्वल टू माइनस ई, और आगे क्या आर ए, डेल्टा आर की जगह क्या पुट कर दिया हमने आर ए माइनस आर बी, ठीक है जी। माइनस साइन अंदर जाएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आर बी माइनस आर ए हो जाएगी। अब इसके इसमें हम ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि हमने ऊपर एवेल्यूएट की है, ई की वैल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0Q ओवर चलें क्यू, ठीक है क्यू को यहीं रहने दे, और अंदर क्या मौजूद है आर बी माइनस आर ए ओवर क्या आ जाएगा आर ए आर बी, अच्छा जी ई की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू क्यू ओवर 4πε0 और साथ में हम लोगों ने आर बी माइनस आर ए पहले से मौजूद था और ये ई की वैल्यू के साथ आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया आर ए आर बी, ठीक है जी। वही बात अलग अलग करेंगे तो यहाँ 1/r a बचेगा माइनस 1/r b बचेगा। दो पॉइंट्स के दरमियान हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है या पोटेंशियल निकलता है, तो हमने वी बी इज इक्वल टू जीरो ले लिया। वी बी जीरो क्यों हुआ, क्योंकि हम उस पॉइंट को क्या कंसिडर करें, हम उस पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर करें,
तो 1/r b क्या हो जाएगा, 1/r इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिस्टेंस जीरो, और वहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 πε0 q/r। एक जनरलाइज कर लिया एंड दिस वुड बी द जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम q।